हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव डेविड, मेंस फिजिक एथलीट। गाइस, जैसे कि आप मेरे चैनल को पहले से ही देखते हैं, फॉलो करते हैं, मैं अपने इस चैनल में हमेशा कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों तक पहुंचा सकूं। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक, जिसे कि सभी लोग देखते हैं, सब लोग कहते हैं मेरे से। और एक्चुअली मैं ये जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, ये मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि एक बेसिक डाइट, एक बेसिक हमारा मील कि क्या हम खा सकते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए। सो गाइस, मैं आपको 3-4 मील बताऊंगा जिन्हों के आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो ऐड कर लीजिए। तो इससे बस होगा क्या कि आपके खाना बंद नहीं करा रहा मैं, ना ही मैं आपसे ये बोल रहा कि आप अपना खाना बंद कर दो, दूध बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, कुछ नहीं करना। जो भी आप खा रहे हो, बस मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने खाने को बदल दीजिए, अगर आप मोटे हो रखे हो उस खाने खा के तो। और खाने की क्वांटिटी एक बार थोड़ा मेज़र कीजिए कि आप कितना खाना खा रहे हो। अगर एक बार आप ये देख लेंगे कि आप कितना खाना खा रहे हो, उसकी क्वांटिटी देख लेंगे, और आपको ये पता चल जाएगा इस खाने में आपको कितना फैट मिल रहा है, कितना इसमें प्रोटीन मिल रहा है। गाइस, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जो खुद से देख के, जान पूछ के ऐसी चीज़ खाए जिससे कि वो बीमार हो, परेशान हो। सो गाइस, बस मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अपना खाना अच्छा करना है, बंद कुछ भी नहीं करना। सो गाइस, आप जब भी सुबह उठेंगे, सबसे पहले आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि आपको सुबह उठते ही मिनिमम 1/2 लीटर पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप थोड़ा वॉक पे जा सकते हैं। वॉक पे ना जाएं तो थोड़ी देर रुकने के बाद में अपना फ्रेश व्रेश होके उसके बाद में आपको अपना एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना है, जिसमें आपको प्रोटीन ऐड रखना है कि जो आपका पहला मील हो, पहला ब्रेकफास्ट हो, उसमें आपका थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक बॉडी में चला जाए। सपोज़ जैसे कि आप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स के साथ में आप 2 अंडे डाल सकते हैं, उसमें 4 अंडे डाल सकते हैं अगर आप नॉनवेज खा लेते हैं। मॉर्निंग में आपने ओट्स ले लिया, आपने फ्रूट्स ले लिए, इस तरह से आप अपना मॉर्निंग को रखेंगे। एंड गाइस, उसके बाद में फिर आप लंच देखिए, लंच में आपको हल्का खाना खाना है, हैवी बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर आप रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, तो गाइस आपको 2 से 3 चपाती खा सकते हो। बस आपको करना क्या है कि आप अपना उसमें से आपको मक्खन हटा देना है, और आपको काफ़ी सारी सैलड ऐड कर लेनी है, और कुछ चीज़ें यही रखनी है आपको, मल्टीग्रेन रोटी कर सकते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद में एक अपनी ग्रीन टी ज़रूर ऐड कर लीजिए अपने इसमें खाने के बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद उसमें ग्रीन टी ले सकते हो उसके बाद आप। देन इवनिंग स्नैक्स में आप जूस ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद रात में जब आप खाना खाओ, तो रात का खाना भी आपका हल्का खाना होना चाहिए, और हल्के खाने के साथ साथ आपके रात के डिनर में और रात के सोने में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 10 बजे डिनर करा और आप 10:30 बजे सो गए। सो गाइस, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है हमको फैट स्टोर करने का। हमारा आजकल जो हम लोग जनरली देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो रखे होते हैं, तरह तरह की बीमारी